साइकिल पर पुलिस नहीं कर रही सुनवाई की तख्ती लगाकर एसपी के पास पहुंचा दिव्यांग फरियादी। गांव के दबंग पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। खबर शिवपुरी जिले के एसपी ऑफिस से है, जहां साइकिल पर पुलिस नहीं कर रही सुनवाई की तख्ती लगाकर एक दिव्यांग युवक गुरुवार को एसपी ऑफिस जा पहुंचा। यहां दिव्यांग युवक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर गांव के एक दबंग पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर कार्यवाही की मांग की है। जानकारी के अनुसार सेवक राम पुत्र भोलाराम जाटव निवासी बड़ा गांव थाना देहात ने बताया कि वे 3 साल से गांव के पास में ही एक सरकारी जमीन पर लोहे की स्टॉल लगाकर परचून और बिंडल माचिस पुड़िया की दुकान कर रहा है। गांव को एक दबंग सरकारी जमीन पर रखी लोहे की स्टॉल का पिछले 2 साल से किराया वसूल कर रहा था, लेकिन पिछले साल उसे पटवारी ने बताया कि जमीन सरकारी है तो उसने दबंग को किराया देना बंद कर दिया। तभी उक्त दबंग द्वारा स्टॉल फेंकने की धमकी देकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। सेवक राम ने बताया कि उसकी शिकायत थाने पर की, लेकिन वहां पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद वे आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर अपनी फरियाद लेकर आया है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सेवक जाटव है। कहाँ से आए हो आप? बड़ा गांव से। एसपी ऑफिस आए हो, क्या समस्या लेके आए हो? ऑफिस से ही आया सर, आवेदन देने के लिए। क्या आवेदन देने आए हो? मेरी दुकान के लिए गुजर परेशान कर रहा है सर मेरे। क्या नाम है उनका? बिरजवान। क्या परेशान कर रहा है, कैसे कर रहा है? सरकारी जगह सर, रोड के पास में रखी है, पटरी पर रखी है और किराए पैसा मांगता है। कितने पैसे? तेरे को उसी में उड़ा दूंगा नो कहता है। नहीं, कितने पैसे मांगता है? 500 रुपये महीना। तो तुम दे रहे थे जब से? मैंने 2 साल से पैसे, मेरे को पता नहीं था जब से मेरे से पैसे ले रहा, मेरे को पटवारी बता दिया तो मैंने नहीं दे रहा। अच्छा, पटवारी ने क्या बताया तुम्हें कि सरकारी जमीन है? सरकारी जमीन है। जब से तुमने बंद कर सर, मैं पूरी पोजीशन है तो, सरकारी जगह बिल्कुल सफा। तो अब तुम पैसे नहीं दे रहे तो क्या कह रहा है वो? मारने की धमकी देता है। कब से परेशान कर रहा है? और नौकेदार माधर, तेरी दुकान को तेरे को उसी में जला दूंगा। कब से परेशान कर रहा है? मुझे हो गए उसको 3 साल हो गए, 2 साल से तो मैं इसको किराया दे रहा था और अभी अभी इसी साल से मुझे परेशान कर रहा है, आज 1 महीना हो चुका है। तुमने शिकायत नहीं की थाने पे? मैंने थाने पे कई बार रिपोर्ट दे दी, हमें कई आवेदन भी लगे तो कोई पुलिस ने कोई पास कोई सुनवाई नहीं है। तो आज यहाँ आए हो आप? मैं इसलिए पुलिस अधीक्षक के पास आया हूँ। गाँव के सरपंच से तो की होगी सर? वे तो भाई गुजर है, सरपंच भाई है, मेरा कोई सब एक ही है। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं है तो और उसी की तरफ बोलते हैं, उसकी जमीन क्यों नहीं दे रहा यार किराया? जमीन तो सरकारी है ना? लेकिन सरकारी है, लेकिन उसकी जमीन कैसे बताते हैं? पता नहीं है, पुरानी जमीन है, कोई विक्रेता भरा जो उसकी अंदर है सहराने।